हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है JCI यानी कि द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है वेरियस टाइप की पोस्ट के लिए। तो हम लोग सभी पोस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तीनों ही पोस्ट आपका ग्रुप सी का रहने वाला है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे सभी पोस्ट के ऊपर इन डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हो इन सभी पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स देखना, नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो आया है उसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हो, एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो, कंप्लीट डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए और जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है ग्रुप सी के लिए। टोटल पोस्ट आपका 90 यानी 90 रहेगा। पोस्ट वाइज बात करें तो मैंने पहले ही बताया है कि 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट रहने वाले हैं। पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, सेकेंड है जूनियर इंस्पेक्टर का, थर्ड है आपका अकाउंटेंट का पोस्ट। तो हम लोग सभी पोस्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन बाकी जो 2 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के अलावा, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें होंगी वो जूनियर असिस्टेंट के बारे में होंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सभी पोस्ट के लिए जो अप्लाई करने का डेट रहेगा 10th of September यानी कि 10 सितंबर से ये ऑलरेडी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका 30 यानी 30 सितंबर रहने वाला है। तो आपको 30 तारीख तक इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना। फ्रेंड्स देखिए, अप्लाई करते वक्त जो आपसे फ़ी लिया जाएगा, जनरल OBC और EWS से 250 यानी 250 रुपीज़, जो SC ST कैंडिडेट होंगे या फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होंगे उनका फी एग्जेम्प्टेड रहेगा, मतलब उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट विल बी द एज लिमिट, लेकिन उससे पहले जानेंगे एज से रिलेटेड कट ऑफ डेट क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग डेट है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है आपका, 1st of September 2024, मतलब 1 सितंबर 2024 के अनुसार आपका एज कैलकुलेट होगा। और इसमें बस मैक्सिमम एज बताया गया है 30 ईयर्स यानी कि 30 वर्ष। तो सिंपली सोचिए कि 18 वर्ष से 30 वर्ष एज का लिमिट रहेगा। और एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष का रहेगा। ये तो हो गई एज से रिलेटेड सारी क्वेरीज। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका जूनियर इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इसके लिए जो 12th पास आउट बच्चे होंगे वो अप्लाई करेंगे। 12th में आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी है चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो भी ग्रेजुएट होंगे, मतलब कि जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, तो हम लोग जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों में से किसी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल रहोगे। जो हमारा थर्ड पोस्ट है अकाउंटेंट, उसके लिए आपका MA होना चाहिए अकाउंट से, उससे हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो हम लोग अब जो बेसिकली चर्चा करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के ऊपर, ये बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। बाकी दोनों पोस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आप समझ चुके हैं, बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस और उसका एग्जाम पैटर्न आप PDF में जाके देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। बहुत ही सिंपल है आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, ओनली 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज पे ऑनलाइन CBT, मतलब पहले ऑनलाइन एग्जाम आप क्लियर करो, उसके बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब रही बात कि आपका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, तो चलिए मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका 100 क्वेश्चंस के लिए, विच इज़ फॉर 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम रहता है 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और मैं अपने मन से ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ, सब चीज़ आपको PDF में मिलेगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हो कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सब्जेक्ट वाइज देखा जाए
जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से भी 25 क्वेश्चन, लास्टली इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। सिंपली अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का तैयारी करते हैं तो वैसा ही इसका भी पैटर्न रहेगा। और जो एसएससी का पैटर्न रहता है सीजीएल का, सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उससे इजी ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम का सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, तो आपके नियर बाय सिटी में ही एग्जाम सेंटर रहेगा। आप जो फिल करोगे फॉर्म में, वहीं पर आपको जाके एग्जाम देना होगा। एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद सेकेंड स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट है। तो स्किल टेस्ट में क्या है, देखिए टाइपिंग का टेस्ट होता है। यहाँ पर लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में टाइपिंग होगी। स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट का कम से कम, और ये टाइम दिया जाता है आपको 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट का स्किल टेस्ट है। 400 वर्ड रहेगा एट द रेट 40 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग है, सिंपली टाइपिंग में क्वालिफाई हुए फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइन करोगे आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपको सर्विस अलॉट करेगा वहां पर आपको सर्व करना होगा। तो सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी क्या मिलेगी, चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए वैसे तो ये कहने के लिए ग्रुप सी का ही पोर्शन, लेकिन सैलरी आप यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग में 45,000 से 50,000 के बीच मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको 45 से 50,000 मिल रहा हो, बाद में आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 1,12,000 तक हो जाती है। तो देखिए कहने के लिए ग्रुप सी का पोर्शन, लेकिन सैलरी आपको ग्रुप बी के लेवल का मिल रहा है। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और जो मैंने पोस्ट के बारे में बताया इसमें आपको कुछ स्किल का स्पेशल डिमांड नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए, सिंपली ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि अभी इस पोस्ट के रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट करके अपनी क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।